स्टूडेंट्स कम्युनिटी 90 में भी बोलूंगी। बहुत से बच्चे जो हैं बहुत प्रेशर में हैं बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, डिप्रेशन में हैं, एंड मुझे इतना आइडिया नहीं है। स्टूडेंट्स ने बताया मुझे लाइव कैसे जाना है, तो मैंने ये कोशिश की आज लाइव जाने की, और बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि उनको एड्रेस किया जाए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। बहुत से बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं और इवन अलग सर बहुत परेशान हैं, और हम लोग ये नहीं चाहते कि कोई भी बच्चे, इंडिया का एक भी स्टूडेंट जो है वो इस तरह का स्टेप ना ले। दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीम एंड रॉन्ग स्टेप जो हम लोग कहेंगे कि बच्चे ले रहे हैं। वी नो दैट यू ऑल आर डिप्रेस बैडली वेदा, एंड जो भी बच्चे लिख रहे हैं, आई एम सॉरी, मुझे इतना आइडिया नहीं है ये कैसे यूज़ होता है। आई एम रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। पोस्टपोन जी, पोस्टपोन नीट, इज देर एनी चांस ऑफ पोस्टपोन ऑफ नीट एंड जी? देखिए, एज फार एज पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट एंड जे इज कंसर्न, मैनी पीपल आर नाउ फॉलोइंग अप विद PMO, HRD, we are requesting, we are appealing to all the authorities. हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, हर जगह हमने कोशिश की है, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ नहीं मिला, तो फिर हम वापस फिर से हमने PMO को लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, गवर्नमेंट से पूछा है कि आप अगर कंडक्ट करा सकते हैं एग्जाम तो कराएं। JEE और NEET के अलावा UGC के जो बच्चे हैं, जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लोग सभी बच्चे फेस कर रहे हैं। डिग्री उनको नहीं मिल रही है, दे हैव अप्लाइड फॉर जॉब्स, जॉब उनकी जो है, बहुत से बच्चों को प्लेसमेंट मिल चुका है, बट दे कुड नॉट गेट अ जॉब, प्रॉपर जॉब, बिकॉज दे डोंट हैव एनी डिग्री, जो कि बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। JEE और नीट भी बहुत बड़ा इशू है, नो डाउट, बट यहाँ पे मैं यही बच्चों को बोलना चाहूँगी, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली JEE और नीट के बच्चे जो हैं, दे आर ऑफ यंगर एज, फाइनल ईयर स्टूडेंट जो हैं वो थोड़े समझदार हैं, बड़े हैं, बट जो JEE और नीट के जो इंसिडेंट हो रहे हैं, बच्चे हैं स्टूडेंट, दे आर कमिटिंग सुसाइड, इट इज़ नॉट गुड। मैं अपील करूँगी सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, कि हाँ, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का भी जो है मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, कुछ बच्चे गए हैं। UGC के 3 lakh स्टूडेंट्स हियरिंग मोर देन 3 hours। देखिए, एज फार एज UGC मैटर इज कंसर्न, आप UGC और नीट एंड JEE को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों मैटर अलग हैं। UGC में बहुत बड़ा इशू इन्वॉल्व है, वो ये है कि बच्चों को इवेल्यूएट किया जाए, उनकी डिग्री दी जाए, और बहुत से स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वो कैंसिल कर दिया है एग्ज़ाम, इसलिए वो मैटर को आप अपने JEE नीट से ना कंसिडर वो करें। JEE नीट इज़ टोटली डिफरेंट केस ऑल्टोगेदर, जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एग्ज़ाम होने चाहिए, उनका यही मानना है। इवन UGC के लिए भी उन्होंने कोई स्टे नहीं दिया है, तो मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगी, UGC मैटर में भी एग्ज़ाम्स के लिए कोई स्टे अभी तक नहीं मिला है, और बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, हालांकि वहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम्स कम हैं, बट ये ऑनलाइन एग्ज़ाम का उनको परमिशन मिली है। एज फार एज JEE इज़ कंसर्न, यहाँ पे और नीट, इसमें बच्चों को पर्सनली जाके एग्ज़ाम देना है, इसलिए बच्चे डर रहे हैं। हमने सभी अथॉरिटीज़ को भी बोला है, मैडम आई एम नीट JEE पोस्टपोन फर्स्ट ओपन पार्लियामेंट। यस, ये तो मैं भी लिखती रहती हूँ कि पार्लियामेंट पहले ओपन करें गवर्नमेंट जो है, उसके बाद बच्चों के बारे में सोचें। बच्चे घर में ही सुरक्षित हैं, अगर ये एग्ज़ाम लिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्सप्लोजन हो जाएगा हमारी कंट्री में, जो हम लोग मानते हैं। और आज WHO का भी हमने स्टेटमेंट देखा है, जहाँ यूथ जो भी है इसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, स्पीक इन इंग्लिश, ओके, राइट राइट, मैम इज देर एनी मीटिंग? नो, देर इज नो सच मीटिंग विच इज़ गोइंग ऑन फॉर नीट एंड JEE, बट येस दे आर डिस्कसिंग ऑन द सेम, रमेश सर विल क्लैरिफाई। स्टूडेंट्स, आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, JEE एंड नीट स्टूडेंट, UGC एंड अदर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑल्सो, टू फोकस ऑन योर स्टडीज, बिकॉज दीज डिसीजन्स आर गोइंग टू बी टेकन बाई द हायर अथॉरिटीज। नाउ UGC मैटर इज इन सुप्रीम कोर्ट, एज फार एज JEE इज कंसर्न, दैट मैटर हैज़ बीन डिस्पोज ऑफ, एंड दे हैव द व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज दैट द एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड, बट द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ कॉल वेदर दे आर इन अ पोजिशन टू कंडक्ट द एग्जाम्स और नॉट।
सीए एग्जाम पोस्टपोन फॉर नवंबर, यस वी गॉट इट डन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एज फार एज सीए एग्जाम्स आर कंसर्न, बट नाउ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट ऑल्सो आर नॉट इन फेवर ऑफ पोस्टपोनमेंट एंड इज देर एनी होप. See, hope, we should always keep a hope, but I would suggest that each and every student should focus on studies now. And if you are able to go and appear for exam, in case cancellation and postpone will not happen, then you take a call. You have to decide, children have to decide, students have to take a call, parents have to take a call, whether life is more important or going to exam is more important. So, as far as my view is concerned, I will never allow my child to appear for any exam whatsoever, because right now we have to save ourselves. We know how SOPs have been followed recently in the exams which were conducted in Karnataka and today COMET ke exam was conducted across India, and we know how the examinations were conducted, and very few students actually went and appeared for the exam. So ma'am, one word mein answer kariye, postpone ho sakta hai ya nahi? Postponement ka it's not in our hand, we are trying our best, it may happen, it may not. So I would request all the students to focus on your studies and don't take any extreme step in case postponement will not be allowed. If you are in a position to go and appear for exam, I would request you all to go. Otherwise, my suggestion would be to first take care of your health, then everything else comes in place. As far as pandemic is concerned, it's a temporary thing. I think we will come out of pandemic in few months. I am ready to give exam but can't concentrate on revision. See, if you are not able to focus on studies, then no point. I would request each and everyone to focus on studies. I know it is a very difficult time, and I've been in your position. I don't think I would have been able to appear for exam. And even we are not able to focus on our matters and cases which we are taking up daily, because so many students are worried. Many are committing suicide, which is not a good thing. I am very much worried. Alex sir is very much worried about the suicide which is happening, and we are so much concerned about student. What should we do? Many students are sending me message, and so today I have come live for all these students who are under stress. See, life, I would say ki man can't concentrate on studies. Yes, I can understand 90%. Yes, they are unable to open theaters and gym. You're right. No, media channels are also covering it now. Many media people, our health, mental health is disturbed. I can understand. No, parents will not allow, then I think you should follow what your parents will tell you. You being a parent, you just take, if you would have been in your father or mother's position, if they will not allow, then you should think of their second drop. No, it's, let it be. Even if you it is second drop, then if you are not able to appear for exam, don't stress yourself. There is always a chance. An exam, one exam cannot decide your future. That's what I'm telling you. One exam cannot decide the future of anyone. ICI is in RA. I cannot read comment. How will I go? Ramesh Pokhriyal sir will respond. I know. I don't know why he is not responding. Even I have requested some politicians today that go and talk to Mr. Ramesh Pokhriyal and let him come forward and say whether exams are going to be conducted or not. If yes, then the students will take a call accordingly. There is so much of confusion and uncertainty. So maybe by Friday they are saying, I don't know if it is true, but let's, even suicide don't make them respond. It is a foolish decision, no doubt. Tamil Nadu CM, please try to contact. I don't have their contact details and number.
सीबीएसई कंपार्टमेंट इशू इज इन सुप्रीम कोर्ट, सो अंटिल एनी डिसीजन कम्स आई कैन नॉट कमेंट. अरेंज एग्जाम फॉर दोज यस. वी हैव रिटन टू पीएमओ, अलग सर हैज रिटन टू पीएमओ एंड एचआरडी आल्सो दैट प्लीज कंडक्ट ए स्पेशल एग्जाम फॉर दोज हु विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू अपियर एट अ लेटर स्टेज लाइक दे हैव डन फॉर यूजीसी यूजी एंड पीजी स्टूडेंट. So that these students, yeah, Chirag Paswan is supporting us, I know. PMO, I don't know whether he will respond or not. So I was talking about the response from HRD and whether any, whether they will be giving any another opportunity for students to appear for exam. So we have written to them and maybe after 3-4 days we may approach Supreme Court again. Requesting the Honorable Supreme Court to give another chance to these students who want to appear for exam and who will not be in a position to BHU entrance postpone. No, there was no meeting. These are rumor. Rahul Gandhi ji is supporting, but their state governments are not supporting. That is the main problem. I had a word with Punjab CMO office. They are not supporting. They are saying postponement, we cannot help. JEE and NEET. CM. Media house, yeah, please tag. Contact West Bengal CMO also, we are trying. Some students are also trying. ICAI is in a position to conduct exam in November. See, ICAI will inform, I think they have already said that whether we will be in a position to conduct exam or not, we will let you know by end of October, because what will be the condition during that time, that ICAI will decide. Rajasthan, Tamil Nadu, yes, will contact. Supreme Court decision regarding what? Telangana. I am not able to read comments. Yeah, Telangana we will contact. We have Hyderabad School Parent Association. I'll talk to HSPA tomorrow. So they will contact Telangana CM. Corona positive HR. I know many students are corona positive. Yeah, students are approaching. More than me, students are making effort. They are approaching WHO and all the authorities. AIIMS director, I know. Hemant Soren sir will help. Okay, we will contact him also. Whosoever is, today I think Chirag Paswan is also. Maharashtra government is not helping. They are conducting exam. Delhi CM, yes, I had a word with education minister's official and they said it is difficult, but please send a letter, so we will do that. Goswami, who is Goswami? I don't know. Kejriwal sir may help. AP CMO Jagan Mohan sir will help us. Okay, we will contact him also. Yes, I know NET is conducted by NTN, it has been postponed. Right. So I have read all your queries, and now my appeal to all the students, I keep appealing to authorities, ministers, PMO, HRD, but my humble appeal to all the students across India, that please, please, please don't take any such step which some students have taken.